जी खादम जी का बहुत स्वागत करते हाँ और परमेश्वर की बाणी का स्वागत करते हाँ। सो मैं गुजारिश कर दी हाँ पास्टर जी के अगे कि प्लीज़ वो मंच ते आणगे और अज के मैसेज नू लैके आउण। आइए असी वचन का स्वागत करिए और पास्टर जी का स्वागत करिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की वडियाई करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो सानू समा देंदे है कि असी परमेश्वर दे विच हो के परमेश्वर की महिमा करिए और जिहड़ा सानू परमेश्वर ने जीवन दिता है ये सफल हो सके। सो धन्यवाद होवे, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद, राजा प्रभु जी तुहाडा शुक्र है, हालेलुया। धन्यवाद करदे, महिमा करदे, स्तुति करदे महान परमेश्वर, हालेलुया। इस समय दे वास्ते असीं तुहाडे धन्यवादी हां प्रभु जी, एक समा बख्शिया कि असीं तुहाडी आराधना कर सके, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी वचन तुहाडे हन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस नूं सिख के खुदावन आशीष मिलदी आ, हालेलुया। जीवन विच सफलता आउंदी आ, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने दास दी प्रभु जी वचन बोलने वास्ते मदद करनी, हालेलुया। और खास करके दुआ करदे जिन्ने भी भैन भाई इस मीडिया दे द्वारा इस वचन नूं सुनन, सब नूं बड़ी सारी बरकत मिले, बड़ी आशीष मिले, हालेलुया। तुहाडा फजल बड़े जोर नाल कम करे, हालेलुया। आए खुदावंद तुहाडा आत्मा कम करे, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ सारे बोलो हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बेशक असी थोड़े लोग हैगे हैं अजीजों, फिर भी साढ़े विच बड़ी कह सकते हैं कि सामर्थ काम करनी चाहिए है, बड़ी शक्ति काम करनी चाहिए, हालेलुया। और मैं खास करके कहांगा कि वचन नूं सब ने बड़े ही ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि वचन के द्वारा ही असी आशीष पाते हैं। और जो तो वचन ध्यान नाल सुनते हैं तो वचन सुनते सुनते बीमारियां चली जांदियां, और वचन सुनते सुनते सारी परेशानी चली जाती है। और अजीजों वचन सुन के मन नूं बड़ी शांति आती है, वचन के द्वारा ही आत्मा काम करता है, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने किस तरह कहा, अज असी थोड़ा प्रार्थना के बारे सीखना है। यीशु मसीह ने की आख्या प्रार्थना के वास्ते, यीशु मसीह ने आख्या तुसी बुल्लां तो मैनू प्रभु प्रभु कहंदे हो। इस तरह नहीं कहना, असी असी हकीकी तौर ते हिरदे चो दुआ करनी है, दिल तो प्रार्थना करनी है, क्योंकि एक प्रार्थना जिहड़ी है वह सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। और प्रार्थना है कि परमेश्वर नाल गलबात करना। प्रार्थना की है? प्रार्थना अजीजो जो असीं प्रभु नाल गलबात कर रहे हैं ते आत्मा दे द्वारा प्रार्थना होंदी है, और वो प्रार्थना दा जवाब की है मिलदा है। बोलो हालेलुया। हाँ ध्यान देना सबने, प्रार्थना की है जवाब मिलता है। सो अजीजो प्रार्थना बहुत भरपूरी ना करने की लोड़ है, और प्रार्थना दिल तो करने की जरूरत है। सो जिहड़े लोग प्रार्थना दिल तो करते हैं उन्होंने प्रार्थना सुनिया जाती है, उन्होंने प्रार्थना स्वर्ग में पहुँचती हैं और प्रभु के हजूर में पहुँचती हैं। और जो प्रार्थना की जाती है तो फिर आशीष की है आती है, हालेलुया। बीमारी चले जाती है, दुख चले जाता है, हर एक तरह का कष्ट जिहड़ा चल जाता है, और वड्डे वड्डे जिहड़े पहाड़ है वह की है हट जाते हैं। बोलो हालेलुया। सो प्रार्थना का अजीजों जो विषय है बहुत वड्डा है। हमेशा ही असीं प्रार्थना के बारे वचन चो सीख सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के वास्ते वचन दे विच बहुत कुछ लिखा हुआ है, पुराने नियम दे विच भी नवे नियम दे विच भी। सो आओ असीं थोड़ा सीखांगे अज, क्योंकि थोड़ा सीखते सीखते जिंदगी विच सीखी जाना है। जदों तक साडी जिंदगी है उदों तक असीं वचन नूं सीखी जाना है, और वचन नूं असीं मनना है। बोलो हालेलुया। वचन नूं की करना, असीं मनना है, ध्यान दईए वचन नूं की है, असीं मनना है। सो जिहड़े लोग वचन नूं मनदे है अजीजो, उह लोग बरकत पाउंदे है, क्योंकि वचन दे वसीले दे नाल ही और प्रार्थना दे वसीले दे नाल ही साडा जीवन सफल हुंदा है। सो आओ असीं देखना है कि वचन सानूं किस तरह सिखाउंदा है, प्रार्थना किस तरह करनी है।
यसु मसीह ने लास्ट समय अपने चेलियां नूं आख्या प्रार्थना करते हो। हालेलुया, बोलो। यसु मसीह ने अपने चेलियां नूं लास्ट समय की आख्या प्रार्थना करते रहो, नहीं तो की है अजमैश आ सकती है। सो जो लोग प्रार्थना करते अजीजो उन्होंने दुख दर्द जिहड़े है प्रभु दूर करते हैं। जे असीं प्रार्थना नहीं करांगे तो अजमैश की आ सकदी जिंदगी विच बड़े सारे दुख आ सकदे और बड़ी सारियां परेशानियां आ सकदियां। सो इस करके अजीजो प्रार्थना करना ही बहुत साढ़े वास्ते लाभ की गल है। हालेलुया, प्रार्थना करना साढ़े वास्ते बोलो की है लाभ की गल है। सो यसु मसीह ने लास्ट समय में आख्या गतसमनी बाग में यसु मसीह ने अपने चेलियां नूं आख्या प्रार्थना करते रहना। बोलो की आख्या यसु मसीह ने प्रार्थना करते रहना। सो अज साढ़े वास्ते भी हदायत है, अज सानू भी सीखने वास्ते मिलता है कि असी हर रोज प्रार्थना करते रहिए। असी सुबह शाम और पाशा दाऊद की कहना है हर वेले असी उदा धन्नवाद करिए। हालेलुया, पाशा दाऊद जी की कहने हैं असी हर वेले ही उदा धन्नवाद करते रहिए, हर वेले प्रार्थना विच लगे रहिए। सो प्रार्थना वचन दसता है कि बाली प्रार्थना करो, ज्यादा प्रार्थना करो। सो जिहड़े लोग प्रार्थना ज्यादा करते हैं वह प्रभु के नजदीक रहिंदे लोग। सो आओ असी एक वचन सीखांगे कि प्रार्थना जो की जाती है तो अजी जो असी अपन कमियां कढ़ना है। बोलो, प्रार्थना जो असी करते हैं असी अपने आप को तैयार करना है अपन कमियां की है कढ़ना है। सो आओ असी वचन पढ़ांगे। हाँ जी, यकूब का खत 5 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ांगे। आपो विची हाँ जी अपने पापां दा इकरार करो। हाँ जी, की लिखा है? इस वास्ते तुसी अपने पापां दा की है इकरार करो। ध्यान दईए की लिखा है बचन विच, तुसी अपने पापां नू मनो, मन की है छड़ दियो। हाँ जी, अते एक दूए लई प्रार्थना करो। हाँ जी, अजीजो बहुत सारे भैण भाई जद कि नहीं सीखते तो अपने वास्ते प्रार्थना करते हैं, अपने वास्ते ही मंगते रहते हैं। सो बच्चन सानू की सिखाता है? मती दी अंजील, संत मती दी अंजील 6:8 बच्चन भाई की लिखा है? स्वर्गीय पिता साडे मंगण तो पहला की है जानता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता साडे मंगण तो पहला की है जानता है। सो पुराने नियम दे विच परमेश्वर ने हिजकिल दे नाल गल कीती, कलीसिया दे वास्ते परमेश्वर ने आख्या ए लोक आउंदे मेरे लोकां दी तरह। ध्यान दईए परमेश्वर ने हिजकिल नूं की आख्या, संगत नूं की आख्या, ए लोक आउंदे मेरे लोकां दी तरह। इस गल दा मतलब है कि मेरे कलीसिया दी तरह आउंदे है लेकिन मंगदे ही रहिंदे है, मनां दे विच की है लोभ है। सो अजीजो जदों जदों तक साडे मन दे विच लोभ है, लालच है, असी प्रभु नूं प्यार नहीं करदे, असी प्रभु दी मर्जी नूं जानण दी कोशिश नहीं करदे, वचन नूं सीखण दी कोशिश नहीं करदे, परमेश्वर नूं अपना दिल नहीं दिंदे, प्रार्थना नहीं सुनियां जाणगियां। परमेश्वर ने की आख्या? हिजकिएल नूं की आख्या? इन्हां दे मनां विच की है? लोभ है। मीन्स इन्हां दे मनां विच की है? लालच है। अपने स्वार्थ वास्ते आउंदे है, मंगण वास्ते ही आउंदे है। उपदेशक ने भी आख्या है जदों तुसीं खुदा दे घर विच जांदे हो ते जाके मंगणा ही नहीं है, पहला की करना है जी? धन्नवाद करना है। बोलो हालेलुया, की आख्या है बच्चे सानू की सिखाउंदा है? जदों असीं खुदा दे घर विच जांदे हां, प्रभु दी हजूरी दे विच जांदे हां, ते सानू की करना है? धन्नवाद करना चाहिदा है। जदों असीं धन्नवाद करदे हां ते साडियां प्रार्थना ओह सुनियां जाणगियां। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर दा दास हाँ जी यकूब की लिखता है, पढ़िए फिर इस वचन नूं। इसलिए हाँ जी इस वास्ते तुसी आपो विची अपने अपने अंदर हाँ जी अपने पापां दा इकरार करो, अपनियां कमियां नूं कढ़ना है, देखना है कि असी बोलण च गलती कीती है, असी सोचण विच गलती कीती है, असी देखण विच गलती कीती है, असी किसे नूं ओह शब्द बोले किसे दे दिल नूं दुखाया,
लोभ किया है जी प्रार्थना बच्चे कैसा दे सीखने वास्ते गल्लां सो अजीजो जो असी सारी गल्लां ते गौर करते हैं अपने आप से ध्यान देंगे हैं और जो असी प्रार्थना करते हैं अपनी कमी नूं कढ दिंदे हैं तो प्रार्थना की है सुनी जाएगी बोलो हालेलुया 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 सो कमियां भी कढ़ना है और वचन सानूं सिखाउंदा है कि एक दूजे दे वास्ते भी प्रार्थना करनी है स्वार्थी नहीं बनना सेल्फिश नहीं बनना असी एक दूजे वास्ते प्रार्थना करनी है। हाँ जी पढ़िए अगे वचन दुआ करनी है सेवका दे वास्ते दुआ करनी है और जिहड़े लोग प्रभु नूं नहीं जानदे उहनां वास्ते दुआ करनी है क्योंकि वह प्रभु दे नजदीक आके आशीष पाउण एक नवा जीवन लैके चल सकन और स्वर्ग दे वास्ते तैयार हो सकन। बोलो हालेलुया हालेलुया इस चीज का तुहानू बहुत वड्डा आज़र मिलेगा तुसी किसे वास्ते प्रार्थना करदे हो उहदा प्रतिफल तुहानू मिलन वाला है। हाँ जी पढ़िए एक दूजे वास्ते प्रार्थना करिए भाई तुसी निरोए हो जाओ तुसी चंगे हो जाओ तुहाडे बीमारी दूर हो जाए तुहाडे मन नूं शांति आ जाए तुहाडे मन नूं तसल्ली आ जाए। सो एक मंगना ही एक मंगी ही जाना प्रार्थना नहीं है अजीजो असी अपने आप नूं पहले जांचना है अपनी कमियां नूं कढ़ना है। सो जिहड़े लोग अपने आप नूं जांच लेंदे अपनी कमियां नूं कढ़दे और दूजिआं दे वास्ते प्रार्थना करदे परमेश्वर दा धन्नवाद करदे है उहनां दीआं प्रार्थना सुणीआं जांदीआं उह सफल हो जांदे। बोलो हालेलुया हालेलुया हां सारे बोलना है बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाजी की सिख्या जी असी अपनीआं प्रार्थना करदे समय अपनीआं कमियां नूं बोलो की करना है जी कढ़ना है और असी एक दूजे दे वास्ते प्रार्थना की है करनी है और तुसी चंगे हो जाओगे तुसी निरोए कीते जाओगे तुहाडियां प्रार्थना सुनिया जाणगियां। बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। सो अजीजो कल्ला मंगना ही काफी नहीं है वचन सानू सिखाउंदा है कि मंगना है लेकिन मंगण दे नाल कुछ होर भी जरूरी है वह ये है कि असी पहला अपनियां कमियां नूं कढ़ना है और असी अपनियां कमियां नूं कढ़ के अजीजो मंगना है और असी दूजिआं वास्ते मंगना है दूजिआं दे वास्ते प्रार्थना करनी है और असी सफल होवांगे साडियां प्रार्थना सुनिया जाणगियां। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी एक गल है कि मंगना है और प्रार्थना करनी और मंगना है और दूसरी गल है कि जिहड़ियां प्रार्थना कीतियां जांदियां ओह पूरियां हो गईयां। हालेलुया हालेलुया। सो वचन विच असीं बहुत सारे लोगों दी प्रार्थना देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना कीतियां बड़िया सारिया असी बड़े सारे वचन असी सीखते हैं लेकिन असी हाँ जी आइए गौर करांगे वचन ते वचन पढ़ांगे पहला सैमुएल हाँ जी 340 नंबर सफर से पहला सैमुएल पहला सैमुएल हाँ जी 17 और 18 आयत पढ़िए अध्याय पहला। हाँ जी हाँ जी इथे परमेश्वर की दासी एक औरत जो कि परमेश्वर की दासी है खुदा के घर में आई है और बड़े ही दिल डोल के खुदा ना गल कर रही है। हालेलुया खुदा ना बहुत ही दिल डोल के है खुदा के लिए प्रार्थना कर रही है बड़ा ही रो के प्रार्थना कर रही है और उन्हें अपने हालातों को नहीं देख रही वो आसे पासे नहीं देख रही लेकिन प्रभु ने जुड़ गई। बोलो हालेलुया उन्हें अपने दिल को जोड़ा उन्हें दिल तो प्रार्थना की है हकीकी तौर पर प्रभु ने जुड़ के प्रार्थना की है और वो समझा प्लीज परमेश्वर का दास देख रहे हैं कि ये औरत नशे में है। बोलो बोलो और वचन दस्सदा है कि परमेश्वर ने उन्हें बच्चा नहीं दिता
उनको बच्चे की कमी है पर परमेश्वर ने उनकी भुख नु की है बंद किया है। और जब मैं बड़े गड़गड़ा के दुआ की और बड़े जोश के नाल प्रार्थना की और परमेश्वर के दास देख रहे हैं पर परमेश्वर का दास उनको की कह रहे हैं बड़ी वचन वचन दास 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 तद एडी ने उत्तर दिता हां जी हां एडी ने उसको आख्या हां ती आख्या हां जी सुख साथ नाल जा हां जी हां जी की आख्या है सुख साथ नाल जा हां जी हां जी हां ती इजराइल का परमेश्वर हां जी हां जी तेरी अर्जोई पूरी करेगा। हालेलुया हालेलुया इजराइल का परमेश्वर तेरी प्रार्थना की है सुनेगा उसने इस गलो असत किया उस औरत ने इस गल नु मन लिया कि परमेश्वर के दास ने जो आख्या है ये परमेश्वर दे वलों है और उसने अपने दिल विच इस गल दा कैसा कैसा फैसला किया है कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है और परमेश्वर ने ओदी प्रार्थना नु सुन लिया है। 18 पढ़िए ओने आख्या तेरी दया ते मिटा के उत्ते हो की आख्या परमेश्वर के दास को की आख्या तेरी दया तेरी टहनी उत्ते होवे तेरी टहनी उत्ते आशीष होवे। हां जी हां जी तद उस तीवी ने जा के रोटी खाधी ओने विश्वास कर लिया ओदे जेड़े हालात अंदरूनी हालात जेड़े बहुत दुख विच सीगे वो बदल गए। हालेलुया ओदे अंदर दे जेड़े विचार है एक दर्द वाले विचार है एक दुख वाले विचार है अजीजो वो बदल गया उन्हें विश्वास कर लिया कि परमेश्वर के खादम ने मेनू जेड़े वचन बोले है उस चीज को उन्होंने अपने दिल में रच के चले गई और उन्हें घर में जाकर रोटी खाधी। हालेलुया हालेलुया बढ़िया वचन वचन तद उस तीवी ने जाके रोटी खाधी उन्हें अपने आप को सेटिस्फाइड किया और घर में जाके रोटी खाधी फिर ओदा मुंह उदास ना रहा। हालेलुया हालेलुया फिर ओदा मुंह उदास नहीं रहा ओदे मन विच बड़ी सारी शांति आ गई बड़ी सारी तसल्ली आ गई और बहुत बड़ा विश्वास आ गया। बोलो हालेलुया हालेलुया ओदे परमेश्वर ने दास ने जो वचन दिते उस वचन नु मान लिया और ओदी उदासी निकल गई ओदे खाना जाके खाधा और अपने आप नु बिल्कुल सैटिस्फाइड किया। अजीजो उस तो बाद विच परमेश्वर ने उसको बरकत दी परमेश्वर ने उसको पुत्र का बरकत दी। बोलो हालेलुया आज ये औरत रो रही है खुदा के घर में आने के बड़े जोर में रो रही है और जब उसको खुदा के दास ने एली चाचे ने जब उसको आख्या कि पुत्र सुख सामना जा खुदा तेरी अर्जोई नु सुन ले परमेश्वर तेरे ते दया करे परमेश्वर तेरे ते फसल पड़े पड़े उन्हें इन्हां शब्दां नु कबूल कर लिया और उन्हें अपने दिल विच इन्हां शब्दां नु रखिया और इन्हां शब्दां दे द्वारा ही उन्हें आशीष पाई। बोलो हालेलुया हालेलुया जिसो प्रार्थना करने वाले लोग जदों मान लेंदे है और परमेश्वर की आवाज नु सुनदे है और मन लेंदे है परमेश्वर की आवाज नु जब मन लेंदे है ते उदों ही उनां दी प्रार्थना की है सुनी जाती है। बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं तां इक छोटी अपनी गवाही दसणा चाहुंदा हां कि मैं इक प्रेयर मीटिंग विच गया और मैं सब कुछ अच्छे बैठा सका चेयर ते बैठा सका लोग सारे प्रेयर कर रहे सके बड़ी बड़ी होली सो जबरदस्त रस बहुत 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 लोग बैठे सके और मैं भी बैठा सी पर मैं पीछे सारा सब देख रहा सीगा मैं तो बहुत अच्छा लग रहा सी कितना लोग आत्मा में भरे हुए और बड़ी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है और परमेश्वर ने आत्मा ने मेरे नाल गल की थी कि तू देखी जाएगा उसे वैसे मैं प्रार्थना करनी शुरू कर दी और प्रार्थना बड़े ही आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे हैं मैं कुछ भी मंगया परमेश्वर को लेकिन मैं परमेश्वर नाल जुड़ गया बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रार्थना कर रहे हैं और उस वेले प्रभु के आत्मा ने फिर मुझे कहा कि फिर प्रभु के आत्मा ने मुझे उकसाया कि मैं परमेश्वर नाल गल करा और मेरा एक बहुत बड़ा सवाल सी जिहड़ा कि सारे परिवार का सवाल सी बहुत समय तो वो एक
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ उस तो बाद जो घर आया और घर आते एक दो दिन वो गल की सफलता मिलेगी बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बिल्कुल हना की तरह ही हो द्वारा तोड़ देंगे आत्मा में झुकी प्रार्थना करनी है परमेश्वर का धन्यवाद करना है दिल तो जुड़ जाना है जो दिल तो जुड़ जाओगे और मैं दसना चाहना जिस सफलता नहीं सी मिल रही जो आत्मा भर के प्रार्थना की गई और उस वे प्रभु ने सुन ली बोलो खुदा के घर में चढ़ावा करा दिता बोलो हालेलुया और मतलब है कि बच्चा है वह हर काल में मने मनिया और जो तो वड्डा होया प्रार्थना सुनी गई है और सफलता मिल गई है सो इस करके उदास ना होइए किसी तरह का सवाल होता है किसी तरह की साड़ी प्रार्थना होती है कोई दुख दर्द कोई परेशानी होती है परमेश्वर को मांग रही है और ये कभी प्रार्थना सुनी नहीं गई प्रॉब्लम तो नहीं बहुत बड़ी सी लेकिन परमेश्वर की प्रॉब्लम दूर करके बच्चे का बच्चे मिलती है हालेलुया और उसने परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद किया है और उस तो बाद परमेश्वर के वास्ते में भजन भी गाया है परमेश्वर की बंदगी करते हैं वो परमेश्वर को बड़ा सारा बड़ी सारी बरकत होती है सो सानू भी चाहिए कि साडे जीवन में जेड़े भी काम होंगे है उन्होंने वास्ते असीं दूजे को गवाही सुनाई जो भी काम साडे जीवन में चलता छोटा काम होंदा है ते असीं उहदे विच वफादार होईए वो गवाही सुनाईए दूजिआं नूं दसीए कि साडी प्रार्थना सुनी गई है परमेश्वर ने साडे ते फज़ल कीता है परमेश्वर ने साडे ते दया कीती अजीज़ो तुहाडे वड्डे वड्डे भी जिहड़े सवाल पूरे होणगे हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया छोटा काम होंदा है ते जरूर तां मत करदे हैं जरूर गवाही बोलनी है क्योंकि सफलता लैण वास्ते असीं परमेश्वर दा धन्यवाद करदे हैं असीं बहुत सफल होवांगे और अपने जीवन में सफल होवांगे और एक दिन प्रभु सानू स्वर्ग में शामिल करेगा बोलो हालेलुया 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 सो मैं बचन तो होर भी बोलना चाहता सीगा लेकिन ये बचन बोल के मेरे मन में बड़ी सारी तसल्ली पई है कि तुसी बचन को सुनया होएगा और तुहानू बरकत मिली होएगी सो अजी जो अगले समय जो बचन है इस तो हुए अगले फिर से सिखांगे सो आओ असीं प्रभु जी का धन्यवाद करिए प्रभु जी की महिमा करिए इस बचन के वास्ते प्रभु का धन्यवाद करिए जिहड़ी साडी प्रार्थना है जदों असीं कसीए पहले अपने आप नूं जांचना है साडी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी
और जवाब मिलेगा और ऐसा भी सफलता मिलेगी कि साड़ी जबरदस्त सफाई मिलेगी और बहुत बहुत सारे लोगों को उसके द्वारा आशीष मिलेगी और वडियाई प्रभु के नाम पर मिलेगी। सो आओ अपने अच्छा निवाल करिए इस वचन के वास्ते प्रभु जी का धन्यवाद करिए। हालेलुया 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 सर्वशक्ति मां अनंत पिता सामर्थ्य पाप का धन्यवाद कर दे सेना के यहोवा तुम्हारा धन्यवाद कर दे राजा का राजा तुम्हारा धन्यवाद कर दे प्रभु के प्रभु जी का महान प्रभु जी तुम्हारा धन्यवाद कर दे। हालेलुया शांति है नाम तसली है प्रभु जी जी प्रार्थना नाम सुनिया जाता बहुत धन्यवाद बचन के द्वारा प्रभु जी बरकत पाते हैं बचन के द्वारा बड़ी सारी शांति पाने बड़ी सारी तसली पाने पर मैं उम्मीद करता कि जेडे मेरे घर भाई इस बचन को सुन गए उन्होंने प्रभु जी जरूर जरूर मिलेगी दास मन प्रभु जी वड्डा हौसला है सोता सोता तुहाडा धन्यवाद होवे तुहाडी बड़ियाई होवे सारियां प्रार्थनां नूं तुसीं सुणदे हो और उत्तर दिंदे हो तुहाडा शुक्र है यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां हां जी सब सहयोग हालेलुया सो धन्यवाद करदे परमेश्वर दा बहुत ही शुक्रगुजार हां थैंक यू बस जी असीं अज्ज वचन दे द्वारा बहुत ही आशीष और बरकत नूं अपने जीवन च महसूस कीता मैं आस करदी हां कि जिन्हें भी लोग तुसीं देख रहे होंगे और तुसीं सारे ने इस वचन द्वारा आशीष और बरकत नूं पाया और असीं अज्ज बहुत ही अच्छा इस वचन नूं सुनिया कि असीं प्रार्थना किस तरह करनी और किस तरह कर सकते हैं खुदावन खुदा तो अपनी मंगा नूं प्राप्त कर सकते हैं और इस वचन द्वारा असीं बहुत सारे अभिषेकित होए असीं परमेश्वर दा धन्यवाद करते हैं। आई असीं लास्ट विच इक प्रार्थना विच जावां आई मेरे नाल मिल के असीं प्रार्थना करा। थैंक यू अब्बा फादर महान जिंदा यहोवा परमेश्वर जी तुहाडे शुक्रगुजार ते धन्नवादी हां प्रभु जी इस अच्छे वचन दे लई प्रभु जी तुसी खुदावन खुदा अज अपने खादर दे जरिए प्रभु जी अपने प्रिय खुदावन खुदा जन दे द्वारा परमेश्वर पास जी द्वारा प्रभु इस वचन नूं अपने लोकां तक शेयर कीता प्रभु जी यीशु मसीह जी तुहाडे बहुत अनायत धन्नवादी और शुक्रगुजार हां इस अच्छे मैसेज दे लई प्रभु जी। मैं आस करदी हां जिन्ने भी लोग इस खुदावन खुदा वचन नूं खुदावन खुदा सुनिया खुदावन खुदा सुनणगे खुदावन खुदा उन्हां दे जीवनां दे अंदर कनेरियां बरकतां आउणगियां और उह अपने जीवन दे विच सफलता नूं महसूस करनगे और सचमुच इह वचन उन्हां दे लई आशीष और बरकत दा वारिस होवेगा। प्रभु जी यीशु जी अच्छे वचन दे लई प्रभु तुहाडे बहुत धन्नवादी हां शुक्रगुजार हां प्रभु जी इस सारे समय दे लई असीं तुहाडे धन्नवादी हां क्योंकि तुसीं अपने लोकां नूं प्रभु जी इह समां दित्ता कि असीं तुहाडी आराधना और अच्छे अच्छे वचनां दे नाल भर जाईए प्रभु जी तुहाडी सताई चाहे सारा जलाल लै लई असीं तुहानूं दिंदे पवित्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत होवे तुहाडी महिमा होवे मन दियां प्रभु यीशु मसीह दे मिठा और जिंदा सामर्थी जलाली फतेह मंद यीशु के नाम से लेके मंद लेंदे हां आमीन। सो सारे जन